बाकी जो बातें हैं वो हम लोग लास्ट लेक्चर जब लास्ट होने वाला होगा तब कर लेंगे सभी बातें। सब बातें बचा के रखो, याद रखो, बाद में सब मुझसे पूछ लेना। अब मुझे स्टार्ट करने दो पहले, ठीक है ना, लेक्चर। अब देखो इसके आगे जो बताना था मुझे, जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपकी अल्कीन की, ठीक है ना, तो अब अल्कीन की नेक्स्ट प्रिपरेशन में, चलो आपका आता है पायरोलिसिस ऑफ क्वाटनरी अमाइन कंपाउंड्स। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है प्रिपरेशन में कि पायरोलिसिस ऑफ क्वार्टनरी अमाइन ऑफ क्वार्टनरी अमाइंस। अब क्वार्टनरी अमाइंस का आपको पायरोलिसिस कराना है, तो आपको यदि याद हो तो ये रिएक्शन जो थी वो एच ई एम ई रिएक्शन पढ़ाई थी ना, ई वन सी बी मैकेनिज्म में आपको, ठीक है। अब ये अपने आप याद आ जाएगा तुम्हें कि जब ई वन सी बी मैंने पढ़ाई थी तो बताया था कि इसका जो मेजर पार्ट बनता है वो आपका कैसा बनता है, आपका हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर होगा यहाँ पे। हॉफमैन प्रोडक्ट कैसा है आपका इस वाले केस में, मेजर प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट ये भी समझाया था मैंने कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ये आपका कार्बो एनाइन होगा, ठीक है। अब कार्बो एनाइन यदि एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, मतलब आपका कार्बो एनाइन यदि इंटरमीडिएट है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की यदि बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन क्या होता है आपका कि 1 डिग्री मतलब मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बो एनाइन, ठीक है। अब तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, मतलब सिंपल सा है, लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब मैं उसका क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन लिखा कि ऑफ सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस टू सिंगल बॉन्ड ऑफ एन ऑफ सी एस थ्री, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस टू ऑफ सी एस टू एंड ऑफ सी एस थ्री, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जैसे कि यदि मैं यहाँ पे कोई बेस अटैक करने को आता है, ठीक, ये हो गया आपका क्वार्टनरी। अब इस वाले केस में देखो यदि OH माइनस अटैक करने, दीप्तांशु प्लस चार्ज लगा हुआ है इनके ऊपर, यदि OH माइनस अटैक करेगा तो OH माइनस अटैक कहाँ पे करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, मतलब यहाँ पे बीटा इलिमिनेशन होगा। इस पोजिशन से क्या होगा आपका, बीटा इलिमिनेशन हो जाएगा आपका, और बीटा इलिमिनेशन यदि हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कि अब हमें बीटा पोजीशन चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने बीटा पोजीशन चेक किया तो आपके देखो बीटा पोजीशन कौन कौन से होंगे, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा है आपका, और इसके एस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, इसके एस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, मतलब आपके पास बीटा कार्बन दो है, मतलब बीटा हाइड्रोजन भी इन्हीं के पास अवेलेबल होंगे। मैंने क्या बोला, एक को नाम बीटा वन दे दिया, एक को नाम मैंने बीटा टू दे दिया। हम दोनों जगह से डिस्कस करके देखते हैं कि बीटा वन से यदि मैं एच निकालता हूँ तब क्या बनेगा, और बीटा टू से मैं एच निकालता हूँ तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब देखो दोनों पॉसिबिलिटी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दोनों पॉसिबिलिटी से क्या होने वाला है। तो पहली पॉसिबिलिटी जो रहेगी आपकी और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये रहेगी, ठीक है। सपोज आपका बीटा वन एच आपने रिमूव किया, ठीक है, और जब बीटा वन एच आप रिमूव करोगे तो देखो क्या होने वाला है, इस वाले केस में बनेगा आपका सी एच टू माइनस सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एच टू सिंगल बॉन्ड एन ऑफ सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एच थ्री सी एच टू ऑफ सी एच थ्री। जबकि आपका यदि मैंने बीटा टू हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहां से फॉर्म होगा आपका सी एस थ्री ऑफ सी एस टू ऑफ एन सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, और ये हो जाएगा सी एस टू। अच्छा ये बचेगा आपका सी एच, बचेगा सी एच माइनस बचेगा, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सी एस थ्री। अब इस वाले केस में देखोगे तो ये बेटा आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन है,
ये 1 डिग्री कार्बोनाइन हो गया, जबकि ये आपका 2 डिग्री कार्बोनाइन हो गया। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोनाइन में 1 डिग्री कार्बोनाइन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोनाइन। अब यदि आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन मोर स्टेबल है, ये ऑब्वियस बात है कि इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मेजर होगा, जबकि 2 डिग्री कार्बन का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि अब यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो किसका आपका आएगा, 1 डिग्री कार्बन का आएगा। तो सिंपल सा क्या है कि इसके बाद मैं एरो बना के नीचे लिख देता हूँ इसका। तो अब इसमें किया हुआ होगा तो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे मूव किया हो गया। अच्छा सॉरी, प्लस लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे प्लस लगा होगा आपका क्वार्टनरी अमाइंस ने, इसलिए प्लस लगा होगा। ये बॉन्ड यहाँ पे, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया होगा। और इस वाले तो बस यही के समझा देता हूँ क्योंकि ये तो समझ ही गए हो गए। तो इस वाले में आप क्या बन जाएगा आपका, तो इस वाले में आपका बन जाएगा इथीन फॉर्म हो जाएगा, मतलब आपका बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH2 बन जाएगा, प्लस आपका बनेगा टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे टर्शरी अमाइन रहेगा आपका, ठीक है। बिटकॉइन बेटा वेदांत, एक चीज मुझे बताओ, बाद में क्या बनेगा उससे मतलब है, या उससे मतलब है कि जो आपके पहले, और आप क्या कह रहे हो सेकंड केस की ज्यादा स्टेबल। बेटा का जब आपका इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल है तो आपसे क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि आप प्रोडक्ट स्टेबल बनाओगे। भाई प्रोडक्ट की जो अमाउंट होता है ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ना, जिसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो गया तो प्रोडक्ट कैसे ज्यादा हो सकता है उसका। अब तो ये वाला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वार्टनरी अमाइन से आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। शांतनु क्या डाउट है, अंदर आया बॉन्ड ये हॉफमैन बना, हाँ हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया, अंदर आया बॉन्ड टूट गया, अंदर आया बॉन्ड टूट गया, मतलब क्या शांतनु तुम्हारा माइनस अंदर। अच्छा बेटा, अरे आप सोचो ना, ये जो माइनस चार्ज है यदि ये अंदर आएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे ना, 5 बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, एन के ऊपर वैसे ही प्लस चार्ज था तो ये तो वैसे अनस्टेबल था ना, तो इसने क्या किया, ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने पास स्टेबल हो गया। शांतनु ये समझा क्या। ठीक है, इस तरीके से आप क्वार्टनरी अमाइन से अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। और यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ऑलवेज इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इस पॉइंट को याद जरूर रखना है आपको कि कौन सा आपका लेस स्टेबल फॉर्म करेगा और कौन सा आपका हाईली स्टेबल फॉर्म करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे परेशान मत हो तनेश, मैं PDF भेजने वाला हूँ ना, भेजता ही हूँ, अभी तो केवल लिखो देखो, मतलब क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। अब मैंने बोला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ हाइड्रो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं यदि इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूँ तो आपके इससे क्या अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, अल्कीन और एल्काइन दोनों का फॉर्मेशन पॉसिबल, तो दोनों का मैं एक साथ करा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपके पास जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इस तरीके से आपका सॉल्ट हो गया, ये आपका, ठीक है, ये है आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब सबसे पहले क्या है कि आप यदि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस को अप्लाई किया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आयंस की फॉर्म में ये
डिसोसिएट होगा, मतलब सिंपल सा क्या बना देगा, सी एस टू ऑफ सी ओ ओ माइनस बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस टू ऑफ सी ओ ओ माइनस बनाएगा प्लस ऑफ टू ऑफ एन ए प्लस का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपके एनोड और कैथोड की रिएक्शन होती है हमेशा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एनोड के लिए, तो देखो यहाँ पे एनोड रिएक्शन जो है, तो एनोड पे कौन जाता है, एनायन जाता है, और कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। तो अब एनोड पे जैसे ही एनायन जाएगा तो एनायन देखो ये थोड़ा समझ लेना ध्यान से, ये इस तरीके से लिखा हुआ है आपका, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन तरीके से हैं, सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस टू ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ निगेटिव इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, ये दो निगेटिव मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ध्यान से सुनना सब लोग, निगेटिव मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि बॉन्ड यहां जाएंगे बनाने के लिए, तो इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने को आएगा, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां बनेगा, तो इस कार्बन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा वो यहां बॉन्ड बनाएगा, और ये यहां पे फ्री रेडिकल यहां निकालेगा, जबकि इसका फ्री रेडिकल यहां निकालेगा, और यहां से सी एच टू फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड सी एच टू फ्री रेडिकल, जो कि फर्दर ही आपके बॉन्ड बना देंगे किसमें, सी एच टू, मैं इसी में लिख देता हूं, मैं यही मेंशन कर देता हूँ, ये बनेगा सी एस टू डबल बॉन्ड ऑफ सी एस टू बन जाएगा फ्री रेडिकल मिलके प्लस टू मोल ऑफ सी ओ टू एंड टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा देखो ध्यान से, कैथोड पे कैटाइन जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, टू एन ए प्लस था, जो कि कैथोड से निकले हुए दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे टू एन ए का फॉर्मेशन करेगा, जो टू एन ए होगा वो वॉटर से, क्योंकि एक्वस कंडीशन में होगा तो वॉटर से रिएक्ट करेगा और बनाएगा यहां से NaOH और कैथोड पर H2 गैस को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं यहां पे, इस तरीके से बैलेंस भी हो जाएगा। बताओ बेटा इस रिएक्शन में किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा, एक कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है, बेटा ओ ओ उमंग, बेटा ओ बॉन्ड क्यों बनेगा डायरेक्टली, एन ए प्लस क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, बेटा एन ए प्लस रिएक्ट कहाँ कराने वाले हो तुम लोग, एक बार समझाओ फिर से, बरत कैथोड और एनोड के रोल क्या है बेटा। शांतनु अभी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा है क्लास 10th में, क्लास 10th में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस सेल में एनोड भी होता है कैथोड भी होता है, वाटर का हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर मुझे H2 गैस मिलती है और O2 गैस मिलती है, ठीक है, वो आयन को एब्जॉर्ब करने काम में आता है। और आपको यदि याद हो जब आपने एल्केन सिखा रहा था तब बताया था मैंने, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो फ्री रेडिकल बनता है हमेशा उसमें, ये पॉइंट यदि याद हो तो मैं बताया था, सनलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमेशा क्या बनता है आपका, फ्री रेडिकल बनता है। अच्छा उमंग का देखो डाउट क्या है कि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, बेटा दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये फ्री रेडिकल जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होगा सिंगल, वो इसके साथ रेजोनेंस में अवेलेबल होगा ना। उमंग जो सीओ बॉन्ड है इसके साथ क्या होगा, इसमें रेजोनेंस में अवेलेबल हो सकता है ना, और जब रेजोनेंस में अवेलेबल होगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो सीओ टू बन रहा होगा, ये जो है स्ट्रक्चर मैं रेड से समझा देता हूँ, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा होगा ना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और ये यहाँ कर रहा होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस तरीके से, तभी तो CO2 निकल जाएगा और यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा। उमंग हाँ समझा, सौरभ अगर सर एडजेसेंट कार्बन पर CO नेगेटिव ही तो ही एल्कीन बन पाएगी ना। हाँ बेटा एडजेसेंट कार्बन पे हो तभी बन पाएगी यहाँ पे एल्कीन, और एडजेसेंट पे नहीं तभी तो मैंने लिखा है, वरना साइक्लिक, हाँ वरना साइक्लिक रिंग बनेंगे, वेरी गुड, सही है सौरभ, ठीक है। यदि एडजेसेंट पोजीशन पर देखो सब लोग सुन लो, अच्छा क्वेश्चन था सौरभ का, कि यदि एडजेसेंट पोजीशन पर सीओ ये वाले एसिटेट ग्रुप जुड़े होते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप जुड़े होते हैं तभी आपका अल्कीन बनता है, अदरवाइज एडजेसेंट कार्बन पे नहीं होंगे तो फिर वहां पर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसी में देखो, अब मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी समझा देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। अरे मैं नाम ही लिख देता हूँ, परेशान बिल्कुल मत हो। इसका इसको हम लोग कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है चलो भैया, साइक्लिक कंपाउंड को वापस समझाओ बेटा। साइक्लिक कंपाउंड को वापस समझाने के लिए हाँ पीडीएफ भेजूंगा। अरे नमन, कुछ लोगों को जरूरत पड़ जाती है बेटा, समझो ना। साइक्लिक कंपाउंड का मैं ये कह रहा था, यदि आपके ये वाले को जो ग्रुप हैं, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं तो समझ में जल्दी आ जाएगा। ये वाले ग्रुप जो हैं यदि एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं होंगे तब साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। अभी एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो अल्किन बनाएंगे। शक्ति, समझ में आया? अब देखो इसके आगे, अब कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस के एस्पेक्ट में यदि मैं कहूं कि अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का कहानी देखो। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड थे वो आपके सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था। यदि आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अनसेचुरेटेड है, मतलब आपका सिंपल सा ऐसे लिखाओ CH2, सॉरी CH सिंगल बॉन्ड COO ऑफ Na प्लस डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड CO माइनस ऑफ Na प्लस। वैसे कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनेगा अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड ऑफ CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड ऑफ CO नेगेटिव प्लस ऑफ 2 ऑफ Na प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर वही कैथोड की रिएक्शन यदि होगी आपकी, तो कैथोड पर क्या होगा आपका कि ये हो जाएगा सी एच सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव डबल बॉन्ड ऑफ सी एच सिंगल बॉन्ड ओ निगेटिव, तो ये बना देगा क्या आपका सी एच ट्रिपल बॉन्ड ऑफ सी एच प्लस 2 मोल ऑफ CO2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और एनोड पर 2 ऑफ Na+ क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को पहले गेन करेगा और बनाएगा सोडियम मेटल जो कि वाटर से रिएक्ट करेगा। H2 से रिएक्ट करने के बाद आपका NaOH, ठीक है, और प्लस H2 गैस को यहां से रिलीज कर देगा। ठीक है, आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड वाला केस ही समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू। अरे सॉरी यार, एनोड कैथोड उल्टा कर दिया मैंने, कैथोड पर कैटाइन जाता है, एनोड पर एनायन जाता है। हाँ ठीक है ठीक है, ये अनोड होगा, ये कैथोड होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके मैं एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूँ साथ में, जिसमें प्रैक्टिस भी जाएगी किस तरीके से आपको बॉन्ड को अलग करना है और कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे चलो मैं प्रैक्टिस अगले पेज पे कराता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कोलगेटोसिस का, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि ये पोटेशियम सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, बताओ बेटा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है इसका, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सभी का सभी को आ गया होगा, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से 2 मोल ऑफ CO2 निकलेगा, साथ में आपका 2 मोल ऑफ NaOH हो जाएगा, साथ में क्या होएगा आपका H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो के सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एच एंड हाँ के ओ एच निकल जाएगा प्रथमेश, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया है, बताओ उसका क्या आंसर आएगा। बताओ प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। अरे सिंपल सा क्या हो जाएगा उसका, सी एस थ्री ऑफ सी एच डबल बॉन्ड ऑफ सी एस टू प्लस टू मोल ऑफ सी ओ टू प्लस टू मोल ऑफ के ओ एच प्लस ऑफ टू मोल ऑफ एस टू, ये बन गया, ठीक है। प्रोपीन बन गया, मतलब मेजर आपको क्या रखना, प्रोपीन बना केवल, ठीक है। बाकी जो रिएक्ट प्रोडक्ट है ना उन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मेन आपको याद रखना प्रोपीन बन गया, मतलब आंसर आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इससे क्या बनेगा बेटा, आपका टू ब्यूटाइन बनेगा रिया, ठीक है। ब्यूटाइन टू ब्यूटाइन फॉर्म हो जाएगा इससे, द सी एस थ्री सी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑफ सी सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस थ्री फॉर्म हो जाएगा, प्लस वही आपका टू मोल ऑफ सी ओ टू टू मोल ऑफ द के ओ एच एंड टू मोल ऑफ एच टू। अच्छा कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसका अभी आपका कोप इलिमिनेशन, ठीक है ना। अब यहां पे याद रखना आपको कोप इलिमिनेशन, यदि आपको याद हो तो जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था, कौन सा ई आई इंट्रा मॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको कोप इलिमिनेशन को शायद एक्सप्लेन किया था, ठीक। अब देखो मैं कोप इलिमिनेशन के थ्रू भी आप अल्किन का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो देख नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कोप इलिमिनेशन, अच्छा कोप इलिमिनेशन का यूज मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इलिमिनेशन होता है वो सेम साइड से होता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप इलिमिनेट करोगे वो सेम साइड मतलब एक ही प्लेन से इलिमिनेट होता है, ठीक है। दो कैसे मैं समझा देता हूँ, पहले पॉइंट लिख दो पहले इसका, कि इवन टर्शरी अमाइन ऑक्साइड इज हीटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस, तो इलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना है कोप इलिमिनेशन में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि पहले मैं एक डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ कि होता क्या, फिर साथ में उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने बोला टर्शरी अमाइन ऑक्साइड, तो टर्शरी अमाइन ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा कैसे, तो ये बनता है टर्शरी अमाइन से ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक मतलब जनरली मैं लिखूं तो टर्शरी अमाइन आपका हो जाएगा कि सी एस थ्री ऑफ सी एस टू ऑफ एन सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस थ्री और ऑफ सी एस थ्री, ये आपका हो गया टर्सरी अमाइन। जब टर्सरी अमाइन की रिएक्शन करते हैं हम लोग किससे, एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्शन करने पर हमें यहाँ पे मिलता क्या है, हमें यहाँ पे मिलता है टर्सरी अमाइन ऑक्साइड मिल जाता है बनता हुआ। मतलब आपको मिलेगा क्या, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस टू एन पर रहेगा प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस थ्री और रहेगा ओ माइनस, ये होता है आपका क्या टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। ये क्या है आपका टर्शरी अमाइन
ऑक्साइड हो गया ये। अब टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को हीट करते हैं, ठीक है ना, इसको हीट करते हैं तब हमें मिलता है यहां से क्या, यहां से मिलेगा हमको इथीन मिल जाता है प्लस, और फिर यहाँ पे आपको टोटमेन ही लगानी पड़ेगी तो नाइट्रोसो कंपाउंड निकल के आता है, ठीक है। अभी तो ये आपका फाइनलाइजेशन है, कैसे हो रहा है ये अब इसको समझाता हूँ मैं, ठीक है। मतलब आपका अमाइन जो है वो टर्शरी अमाइन ऑक्साइड कैसे बनाता है और उसके बाद फिर अल्किन किस तरीके से फॉर्म होती है आपकी, ठीक है, ये समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू इसका। तो अब देखो मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसकी पहले पॉइंट भी लिख देते हैं साथ में। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा देखो यहां पे, अब इसका मैकेनिज्म, क्यों ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना ब्लू कलर। हाँ ठीक है, अब देखो यहां पे इसकी मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट, देखो वैसे सबसे इंपॉर्टेंट हम कौन सी समझने के लिए इसमें, कि टर्शरी अमाइन से टर्शरी अमाइन ऑक्साइड कैसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट हम इसमें, ठीक है। बाकी तो हीट किया तो कुछ नहीं, ये समझ में आपको भी आ रहा होगा कि यहाँ से एसिडिक एच गया होगा तब जाके प्रोडक्ट बन गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बना। तो देखो आपके पास जो अमाइन है टर्शरी अमाइन, तो सपोज मैंने इसको लिख दिया कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2, ये एन CH3 ऑफ CH3 है, ठीक है, ये इसका लोन पे था, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो था वो इस तरीके से लिखा हुआ है HO सिंगल बॉन्ड OH, ये था हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है होमोलिटिक फ्यूजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का होमोलिटिक फ्यूजन होता है। ऑब्वियस बात है कि यदि ये ब्रेक हो जाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। अब यदि बेटा होमोलिटिक फ्यूजन हुआ तो ये यदि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन यहाँ पे जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगी, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है बेटा तो ऑब्वियस बात है कि ये अटैक वहां पे करेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल है इसके पास, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो इस पोजिशन पर अटैक करेगा आपका। अच्छा अब देखो अब अटैक करने को आएगा तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रहेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा अपना पूरा का पूरा पेयर किसको दे रहा, ऑक्सीजन को दे रहा। तो आप कह दोगे कि आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी ना, देखो ध्यान से, ये जो एन रहेगा यहाँ पे आपका CH3 है, सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3 होगा। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो एन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर लिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा बचा रहा ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फ्री रेडिकल आर लेस स्टेबल देन ऑफ एनाइंस, तो ये क्या करेगा इस एच से भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस ले लेगा तो इसके पास फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, तो ये बना देगा इस तरीके से, ये आपका हम बताता हूं मैं, इसके बाद जो बनाएगा वो बनाएगा इसके तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2। अच्छा CH3 की जगह पे मैं काम करता हूँ, मैं इसको CH2H लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका CH2, ये आपका एन प्लस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3, सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3, और ये हो जाएगा आपका O माइनस हो जाएगा अब यहाँ पे। बेटा टर्शरी अमाइन ऑक्साइड कैसे बना समझ में आया, बेटा NO बॉन्ड फॉर्मेशन हो, दोस्त मेरी बात सुनो, प्लस माइनस है बॉन्ड बना सकते हो लेकिन वो बॉन्ड तो पोलराइज रहेगा, नमन भगत, पी स्टार में जाएगा क्या होगा, पाई स्टार में जाएगा क्या होगा, एनओ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, वरन सेंट्रियन ऑक्सीजन के साथ, बेटा नमन ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे ना, इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इस टाइम पे। अच्छा भरत का डाउट है एनओ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बेटा कर सकते हो ना, प्लस माइनस से बॉन्ड बना रहेगा लेकिन ये बॉन्ड तो पोलराइज रहेगा ना हमेशा, भरत ठीक है, और किसका डाउट था, एक नमन भगत का डाउट था, पाई PI स्टार में जाएगा क्या होगा, क्या वो स्टार कहाँ बेटा, कौन सी स्टार भेज रहे हो, एंटी बॉन्डिंग भेज रहे हो क्या, यहाँ कहाँ एंटी बॉन्डिंग लगा रहे हो बेटा, उसके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी खाली है एक, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बन गया,
अब यहाँ पे आपको पता है कि बीटा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, आपका जो स्टेटमेंट है कि बीटा हाइड्रोजन जो एसिडिक होता है, तो इस एन के स्पेक्ट में आप देखो तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, और बीटा एसिडिक है मतलब इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट कहाँ पे होगा, निगेटिव पे, निगेटिव की साइड जाएगा ना, और जब निगेटिव की साइड जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि अब क्या बनने वाला है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा क्या, CH2- सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2+ सिंगल बॉन्ड CH3+CH3, और ये हो जाएगा कि आपका OH हो जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर देगा और आपका एजा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आपको इथीन एजा प्रोडक्ट मिलेगा प्लस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आप टोटो मैनिपुलेट कर सकते हो आप लोग जिसको करना हो तो। अच्छा बेटा यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पहले तो सिन क्यों है बेटा, यदि आपका जो ओ माइनस है, ठीक है, जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, परेशान मत हो, मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसे यहाँ तक पूरा मैकेनिज्म समझ में आया ना, किस तरीके से ये अल्कीनी फॉर्म होगा और यहाँ पे भी लेस सब्सटीट्यूटेड ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड तो बनेगा नहीं, पहली बार तो बन भी रहा होगा तो वो माइनर रहेगा, हमेशा लेस सब्सटीट्यूटेड आर द मेजर प्रोडक्ट। सुजल अल्कीन फॉर्मेशन समझ में आ गया क्या? बस यही खत्म कर दो कहानी, अभी मैं लिखने वाला हूं नमन, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूं, अभी यहां तो जगह नहीं दिख रही मुझको, ठीक है। तो अब यहां पे जो थियोरेटिकल स्टेटमेंट बनता है वो लिख देता हूं मैं क्या, कि इलिमिनेशन ऑफ अबव इलिमिनेशन ऑफ अब आप टाइप अच्छा इसमें जो पॉइंट लिखना था वो लिखो, ये तो कहानी तो बस समझा चुका मैं पूरा आपको, तो मेन पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट के एच एंड एन एम ई ओ टू मस्ट बी लाए लाए ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड फॉर एलिमिनेशन, फॉर एलिमिनेशन एज एज एम ई टू एन ओ एच दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय फाइव मेंबर्ड, फाइव मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, वेदांत समझ में आ गया, तुमने तो पहले लिख दिया मेरे से पहले, ठीक है ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसलिए क्या। हाँ अब तो कोई डाउट नहीं किसी को भी, अब इसमें चलो अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करके देखना, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। शांतनु को नहीं समझा, बाकी ये पॉइंट एक्सप्लेन करना सर, ये सर एक क्वेश्चन है प्रथमेश, क्वेश्चन है तो भेजो, और सुजल को एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है बेटा, पॉइंट में लिखा है कि जब जो देखो पॉइंट यहां से समझ लो, मैंने पॉइंट ये लिखा है इसका कि जो आपका एच है ये वाला एच और ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक प्लेन में होना चाहिए हमेशा, ठीक है, यदि एक प्लेन में नहीं होगा तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो सकता ना एच का फिर ओ माइनस के साथ, यदि एक प्लेन में नहीं होगा, और यदि सेम प्लेन में होगा तो ये है यहाँ से एच जो है वो यहाँ पे अटैक कर पाएगा, यदि एक प्लेन में नहीं होगा तो अटैक नहीं कर सकता ना। शांतनु मेरी बात समझ रहे हो ना,
यहाँ पे जो एच है और ओ माइनस है, यदि एक प्लेन में है तभी तो ये इस पे अटैक कर पाएगा, यदि आप दूसरे प्लेन में चला जाएगा तो डिस्टेंस के साथ तो अट्रैक्शन फोर्स तो कम हो जाएगा ना, इस वजह से सेम प्लेन में ही होना चाहिए आपका। और एक पॉइंट और लिखा, जैसे साइक फाइव रिंग की डेन फाइव मेंबर्ड रिंग ट्रांजिशन स्टेट की डेंटिसिटी, मतलब तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है तो मतलब हर कंपाउंड में क्या आप डेंसिटी निकालते रहोगे प्रथमेश? फाइव मेंबर रिंग में डेंसिटी सीट, बेटा डेंसिटी लिगेंड की होती है प्रथमेश। यहां पे कौन सा तुमको लिगेंड दिख रहा है, मुझे नाम बताओगे लिगेंड का जिसकी तुम डेंसिटी देखना चाह रहे हो? तो फिर लिगेंड की डेंसिटी, अच्छा आप लोगों ने अच्छा प्रथमेश समझो, क्वेश्चन पूछने के पहले थोड़ा समझा करो कि आपके क्या पूछना चाह रहे हो। यहाँ पे मेटल कहाँ है, मेटल बेटा मैंने मेटल कहाँ लिखा हुआ है वेदांत? अरे वो डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है सर, उसका आंसर कर रहा था। अच्छा अरे कोई बात नहीं, चलो वो सारे मैसेज बेटा प्राइवेटली मुझे दे पास ही आ रहे हैं ना, आप लोग आपस में मैसेज शेयर नहीं कर सकते हो, इसलिए कोई किसी का आंसर ना दे, सब मेरे पास ही आएंगे, ठीक है ना? चलो बेटा फायर प्रथमेश का पूरा नाम लिया करो, कन्फ्यूजन होता है। प्रथमेश का पूरा नाम एक्चुअली क्या लिखे है, पूरा नाम इसमें लिख के भी तो नहीं आता इसका, देखता हूँ। प्रथमेश कपूरे, हाँ वेदांत का नहीं, सिंपी, वेदांत सिंपी तुम्हारा बोलूंगा तो सिंपी बोला करूंगा, ठीक है ना? वैसे वेदांत बोला करूंगा, और वैसे प्रथमेश का मैंने बोला करूंगा कपूरे, उसका बोला करूंगा प्रथमेश। अच्छा, अरे एक काम करना है, इसका ME2O कर देना, ठीक है ना? जिसको डाउट आ रहा है तो ये कर देना, ठीक? अब सही है ना चेतन? चलो भाई अब देखो इसके आगे, देखता हूं मैं, क्वेश्चन लिखो। मैं डायरेक्ट आपको टर्सरी अमाइन ऑक्साइड ही बना के दे रहा हूं, ठीक है ना? बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा हीट करने पर? आंसर ये बन जाएगा आपका, प्लस आपका क्या हो जाएगा, HONME का होल ट्वाइस। चलो अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड है पायरोलिसिस ऑफ पायरोसिस ऑफ जेनथेट। इसको कहते हैं हम लोग चुगैव रिएक्शन, ठीक है? अब देखो इसमें तो इसमें जो आपका जेनथेट बोलते हैं वो क्या होता है, देखो ओ अल्काइल ऐसे लिखते हैं, ओ अल्काइल एस मिथाइल, मैं एस थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिसमें कि समझ में आइए, एस मिथाइल जेनथेट स्प्रिंग लिखा हुआ तो है अंशुमल इज पायरोलिसिस, पायरोलिसिस एट 200 डिग्री सेल्सियस, एट 200 डिग्री सेल्सियस टू गिव अल्कीन
एंड यहां पर ठीक है, यहां से मुझे अल्किन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसकी रिएक्शन देखते हैं, इसकी रिएक्शन क्या बनती है। तो देखो रिएक्शन का जो आपका फाइनल रहेगा कि जेनथेट किसे कहते हैं, ओ अल्काइल एस मिथाइल जेनथेट क्या होता है, तो देखो इस तरीके से बनता है ये। साथ में इसका मेकेन भी छोटा सा है, ज्यादा लेंदी नहीं है। जैसे आपने लिखा CH3CH2OH, और बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे किससे, कार्बन, ये रहेगा डबल बॉन्ड सल्फर और सिंगल बॉन्ड सल्फर एंड मिथाइल, ये है आपका। यदि मैं इसको हीट करूंगा 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखो हो क्या रहा है। जनरली देखो डायरेक्ट समझोगे जल लिया जाएगा। इसमें भी मैं साइक्लिक रिमेंबरिंग बनेगी किस तरीके से। देखो ये बॉन्ड यहाँ पोलराइज हुआ, समझा ध्यान से, ये चार्ज हुआ नेगेटिव, ये चार्ज हुआ पॉजिटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अटैक कहाँ पे करेगा, एसिडिक चीज पे अटैक करेगा, ठीक है। तो एसिडिक पे अटैक करेगा, तो ऑब्वियस बात है ये जो एच था इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो ये सल्फर कहाँ पे अटैक करने वाला है, इस पोजिशन पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या लेके जाएगा, एसिडिक एच लेके जाएगा। और जब एसिडिक एच लेके जाएगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव कहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ पहुंच जाएगा, इस जगह पहुंच जाएगा इसका बॉन्ड। तो इसकी जो आंसर आएगा क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2 प्लस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा SH के साथ, और सिंगल हो जाएगा S ऑफ मिथाइल के साथ। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा यहाँ पे। हाँ, कार्बन सल्फर को ही जेनथेट बोलते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को भी। SME बेटा क्या रूल है, कुछ नहीं, कंपाउंड ही है ना ऐसा सौरभ, कंपाउंड में ही सल्फर मिथाइल लिखा हुआ है वो। हितेश को एक बार और समझाऊं, तो देखो समझने के लिए बेटा क्या है कि ये CH3 ऑफ CH2H2 है बेटा, ब्रैकेट में प्रतीक चुगा और CHUGAEV रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो एसिडिक एच लेके जाएगा, तो एसिडिक एच कहाँ पे मिलेगा, इसके एस्पेक्ट में अल्फा, और ये बीटा, बीटा से मिलेगा, तो बीटा का एच यहाँ से जैसे ही रिमूव होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिल्कुल लिखा 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो बीटा एच जाएगा, चार्ज जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव आगे मूव करेगा तो ये आगे मूव कर जाएगा, और आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज समझा सकता हूँ आपको क्या, जैसे मेंस के पेपर में तो ये रिएक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, मेंस में नहीं है ये रिएक्शन, आपके एडवांस में है, ठीक है। तो एडवांस में इस क्वेश्चन को और भी लेंदी तरीके से दे सकते हैं वो, तो किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं समझाता हूँ। देखो अच्छा, ये जो मेथड लिखा है ये बहुत सिंपल मेथड है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड चुग्याऊ रिएक्शन। ये थोड़ा भाई नाम पढ़ लेना, कुछ नाम इसका अजीब है, ठीक है, तो नाम देख लेना अपना। देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इसके क्वेश्चन देखो किस तरीके से लेंदी क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मतलब आप कैसे समझोगे कि ये रिएक्शन पूछी गई है, मतलब आपका सिंपल सा कि पायरोसिस ऑफ जेनथेट ही पूछा गया, कैसे समझोगे। तो क्वेश्चन देखो का फुल क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन आता है कि ये आपके पास एक अल्कोहल है, और ये कार्बन, ये हो जाएगा CH3, और साथ में यहाँ पे H लगा देता हूँ, ये सिंगल बॉन्ड ऑफ OH, ये अल्कोहल है, इसके ऊपर रिएक्शन कराया गया है। फर्स्ट कराया गया है सीजियम ऑक्स कार्बन डाइसल्फाइड और OH- बेस प्रेजेंस में, फिर रिएक्शन कराया गया है CH3I के साथ कराया गया है, और फिर रिएक्शन में जो है वो आपका हीट लिखा है। थ्री स्टेप में रिएक्शन कराना आपको, ये मतलब पहले स्टेप में कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेस की प्रेजेंस में है आपका, सेकेंड वाले पॉइंट में आपका CH3I है, थर्ड
और थर्ड में आपको हीट करना है। तो देखो तीनों को मैं स्टेप बाय करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो आपका सीजी जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड है बेस के साथ है, तो मतलब बेस क्या करेगा, इस कंपाउंड में से मतलब अल्कोहल में से एसिडिक हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएगा। पहला स्टेटमेंट, जो आप यहाँ पे OH माइनस है वो इस कंपाउंड में से एसिडिक H को रिमूव करेगा। तो आपको OH का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि OH का क्या फंक्शन है, इट रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप यहाँ पे जिसको भी लिखना हो तो लिख सकते हो कि OH का काम क्या है, रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। और एसिडिक हाइड्रोजन को भी दिखा भी देता हूँ कि इस तरीके से ये H जो होगा वो इसके साथ रिलीज हो जाएगा और आपके पास जो बनेगा मतलब OH ने, रुक जाओ इसको ऐसे नहीं, इसको समझाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले OH माइनस आया तो यहाँ से एसिडिक एच लेके निकल गया, मतलब आपके पास बचा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH3 ऑफ O माइनस, ये हो गया आपके पास सबसे पहला काम। इसके बाद देखो अब आता है कार्बन डाइसल्फाइड है आपके पास। अच्छा कार्बन डाइसल्फाइड को यदि आप देखोगे तो इस तरीके से एक दो ना, कार्बन डाइसल्फाइड इस तरीके का होगा आपका, CO2 की तरह का कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑक्सीजन अटैक कहाँ पे करेगा, इस पोजिशन पे अटैक करेगा आपके, और जब इस पोजिशन पे अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3, सिंगल बॉन्ड CH ऑफ CH3 O। अब O से कौन अटैच है, कार्बन अटैच है जिसके ऊपर एक सल्फर अटैच है माइनस के साथ, और एक डबल बॉन्ड सल्फर अवेलेबल है, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। अब सेकंड स्टेप में क्या स्टेटमेंट क्या लिखा उन्होंने, इन्होंने सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है CH3I एल्किल हाइड्राइड। आपको पता है कि ए हो जाएगा बेटा आई माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, निगेटिव पर जाके जुड़ेगा, मतलब अब आपका क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, O से कार्बन अटैच है, सिंगल बॉन्ड सल्फर से CH3 अटैच है, और डबल बॉन्ड सल्फर अटैच है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप तो वैसे सबको समझ में आ ही रहा होगा कि अब ये आपका जेनथेट फॉर्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ से आपका क्या हो गया, आपका देखा जाए तो आपका जेनथेट फॉर्म हो गया। अब इसको नॉर्मली आपको हीट करना है केवल, ठीक है ना। तो अब हीट करने का तो लॉजिक समझा ही दिया था आपको कैसे करना है, और इसी में समझा देता हूँ मैं फिर से। आप ऐसे कर दो, रेड से समझा देता हूँ क्या करना है आपको, रेड वाले पोजिशन समझोगे तो देखो इस ओ के रिस्पेक्ट में ये है अल्फा, ये है बीटा, ठीक है। तो बीटा का एच जाना है, ठीक है, और बीटा का एच जाएगा वो कहाँ पे जुड़ने वाला है, सल्फर पे जुड़ने वाला है। तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा यहाँ से क्या करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोड्यूस होगा, वो यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर क्या जाएगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C ऑफ CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑफ CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S CH3 सिंगल बॉन्ड S H का फॉर्म हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बताओ बेटा कोई डाउट। सभी को बेटा समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चन किया मैंने ये। कपूरे इसको शॉर्ट में समझाऊं तो बेटा शॉर्ट में क्या समझाऊंगा, अरे हर स्टेप है ये तो फिक्स ही है ना, ऐसा करने करना है। और वैसे शॉर्ट में समझाओ तो जेनथेट बना लोगे, इसके बाद लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बना देना, आंसर आ जाएगा। अरे वेदांत आयोडीन के साथ कौन जुड़ेगा, तो बेटा H2O साथ में है ना, अभी जुड़ने के लिए आई माइनस अटैक कर सकता ना H2O के ऊपर, और हीट किया गया है यार, क्यों परेशान हो रहे हो ज्यादा वेदांत, मतलब समझ समझ मतलब जो सर बीटा एच का बताओ सर फिर से। बेटा बीटा एच का कंसेप्ट ऐसे समझो, चलो मैं इसका एक काम करता हूँ, इस वाले से मैं इंटीमेट बना के दिखाता हूँ सबको।
2 मिनट रुको, सब लोग देखो एक साथ समझो, जिसको भी ना आया हो, जेनथेट के बाद जिसको भी क्लियर ना हुआ हो वो ऐसे देख ले कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया। रुक जाओ, इसको मैंने कैसे लिखा, ये लिखा CH3, सी ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये H हो गया, ये O था, ये कार्बन, ये S CH3 डबल बॉन्ड S, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा तो चार्ज आएगा निगेटिव। ठीक है शांतनु, और ये एसिडिक। अच्छा बीटा, तो देखो बीटा साइड तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा, तो ये चार्ज बॉन्ड टूट के यहाँ पे इसको बॉन्ड बना लेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक एक काम कर, एक एरो यहाँ भी लगा देता हूँ मैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चेतन कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में एसिडिक है, कैसे डिसाइड किया है? बेटा इतना डिसाइड तो तुमको करना ही पड़ेगा ना कि एसिडिक है कि नहीं है, है ना। इतना नहीं कर सकते हो तो पहले जीओसी को दोबारा पढ़ लो कि एसिडिक हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, बीटा कैसे एसिडिक होता है। चेतन मैं तो दिया है आपने, टेम्परेचर के साथ वही वैलिड है क्या? बेटा सेम रिएक्शन वैलिड है आपकी, ठीक है प्रथमेश, सॉरी कपूरे, यही आपकी रिएक्शन वैलिड है, ज्यादा दिमाग से ज्यादा नहीं लगाना है। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तो आप लोग करो और बताओ आंसर किस तरीके से लाओगे, ठीक है ना। चाहे इसको आप चाहे अभी कर लो या फिर इसको होमवर्क बना के कर लेना, जैसा लगे तुमको, ठीक है। मैं अभी होमवर्क में लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन एक, तो आप लोग कर लेना। तो क्वेश्चन आपका हो गया कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये था OH, अटैक होगा NaH का, इससे A बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका इससे B बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, इसके बाद आपका C बन जाएगा CH3I के साथ, और फिर आपका D बनेगा हीट 200 डिग्री सेल्सियस के। तो क्वेश्चन हो गया व्हाट इज ABCND, ठीक है, ABCD क्या है? अब यार देखो अभी मत करो क्योंकि यार टॉपिक थोड़ा और बढ़ जाने दो, और भी क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ काफी सारे, देखो चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन की। हाँ बिल्कुल बराबर है नमन। अब देखो एक और करा लें दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखो, पायरोलिसिस ऑफ, हाँ नेक्स्ट क्लास में लेवल 2 और MS चौहान सॉल्व करूंगा, तो सब लोग उसको सॉल्व करके आइएगा। देखो सिंपल सा है, एक चीज बता देता हूं मैं कि जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा हिमांशु, सॉरी MS चौहान का लेवल 2, देखो बच्चे सभी करके आओगे वही आना, मतलब डिस्टर्ब करने कोई मत आना लेवल 2 में, नेम पहले देता हूँ मतलब। और मैं तो चाहता हूँ सभी लोग सॉल्व करें, जितना भी जिसे सॉल्व होना है उसको ट्राई करें, लेकिन ट्राई करके ही आए, मतलब फ्री, मतलब ऐसे ना जाके किया ही नहीं है चले आए, चलो देखते हैं क्या हो रहा आज, तो कोई वहां पर टाइम पास नहीं होगा। वेरी गुड, चलो जिसने नहीं किया कथन उसके कहने का मतलब था मैं। देखो अब नेक्स्ट है आपका पायरोलिस, ये होमवर्क कर लेना बेटा, बता दूंगा बाद में, ठीक है ना।
ये कर लेना, कर लेना बाद में। पायलोसिस ऑफ नाइट्रो अल्किन। अब नाइट्रो एल्किन का पायलोसिस करना, देखो जब भी पायलोसिस लिख के आ जाए, हाँ ये सही है, डिस्कशन के लिए अलग टाइम रखता हूँ तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। चलो बताता हूँ मैं टाइम, ठीक है। पायरोसिस ऑफ नाइट्रो अल्किन में क्या है, अब नाइट्रो अल्किन का आपको पायरोसिस करना है, तो देखो मैं समझाता हूँ किस तरीके से। आपके पास CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 ऑफ NO2, ये हो गया नाइट्रो अल्किन हो गया। आपने इसको हीट किया तो आपका जो आंसर आता है वो आपका प्रोपीन बनता है, ठीक है, ये बन गया प्रोपीन बन गया, और आपका HNO2 का फॉर्मेशन होता है। अब देखो किस तरीके से है, तो अब इस वाले केस में दो, इस वाले को मैं ऐसे लिख दूं कि ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH, ये H, सिंगल बॉन्ड CH2, ये N। अच्छा नाइट्रो को यदि याद हो तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा रहेगा ना, इसको हीट किया तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। ये एच जो होगा, समझ रहे बेटा, मैं इसको डायरेक्ट समझा देता हूँ, एच जो होगा वो यहाँ गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो होगा, ठीक है, वो इस एन को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा कि नहीं कर देगा, मतलब आपका दो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या बन गया CH2 बन गया, और साथ में N क्या बन गया, प्लस ये बनेगा क्या आपका, प्लस ये हो जाएगा प्लस, और साथ में हो जाएगा N, इसके पास हो जाएगा कौन, OH, ये डबल बॉन्ड बनेगा O, जो किसका फॉर्मूला है, ये HNO2 का फॉर्मूला है आपका ये। अब बताओ बेटा क्या समझ में आया, ये पायरोसिस ऑफ नाइट्रो अल्किन, इससे भी इससे क्या फॉर्म हो गया आपका, अल्किन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने कराया ना अभी, पायरोसिस ऑफ नाइट्रो अल्किन, जेनथेट वाला, और आपका एक और कराया था कौन सा, कोपलिनेशन, ये सभी रिएक्शन ईआई मैकेनिज्म होती हैं आपकी, ये इंटर मॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन के ही टाइप है सभी ये। एडमिन थोड़ा रुको, ठीक है बताता हूँ मैं। नमन नता जनरली के टेम्परेचर पे, बेटा आप सोचो ना, नमन यहाँ पे आप इलिमिनेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है ना, टेम्परेचर तो होना चाहिए, वरना आप इलिमिनेट करने के लिए किसका यूज करोगे भाई, आपको तो पता है ना इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए टेम्परेचर सफिशियंट मतलब चाहिए चाहिए, नीड पर नीड ही है बिल्कुल, वो तो बिना टेम्परेचर के तो आप इलिमिनेट कैसे कर सकते हो किसी मॉलिक्यूल्स को। नहीं ना, वेरी हाई वेरी लिटिल नहीं बेटा, वो तो आपका वो ऐसे सिंबल बन के आ जाएगा हीट का, तो आप हीट कर देना ना, वहां पे थोड़ी मेंशन कर रखा है, ये तो नाइट्रो अल्किन पायरोसिस भी, ये हाँ बेटा ई आई है कथन नमन, कहीं पर भी आप देखो ना, आपने इतने क्वेश्चन लगाए कभी आपको हीट में टेम्परेचर मेंशन करके दिया है क्या, वेदांत अभी मैं ट्रिक हिंट कुछ नहीं दूंगा मैं अभी आपको, ठीक है ना, पायरोसिस का मतलब ही हीट होता है, अथर्व डागा, पायलोसिस का मतलब ही होता है हीट करना। अच्छा अब एक चीज और है, सुनो मेरी बात, अब एक तरीके से इंट्रा मॉलिकुलर इलिमिनेशन में, हाँ सर एक में 30 डिग्री सेल्सियस लिखा था ट्राइंगल के नीचे, और वो लो टेम्परेचर बेटा है, बेटा वो अल्किन में भी आगे आने वाला है, मैं बताऊंगा 30 और -30 में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है ना नमन, आ थोड़ा सा पेशेंस आपको यार अभी, है ना। अब इसके आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है इसका, और वैसे जरूरत तो नहीं है क्योंकि वो अभी मैं आगे चल के आपको उसमें सिखाऊंगा, क्या कहते हैं किसमें आपका चैप्टर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आपका आता है पायलोसिस ऑफ ईस्टर, क्या अभी करा दूं कि उसी टाइम करा दूं बताओ, क्या इच्छा है सब लोगों की बताओ, सबका क्या मन है।
दोनों टाइम का दो सर। अभी अभी ही पढ़ा दो। चलो चलो अभी लिख ले दो यार, छोड़ पायलोसिस है तो कहना सब पायलोसिस कर रहे हैं ना अभी हम लोग, तो अभी पायलोसिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे एम एस चौहान में इस टॉपिक का क्वेश्चन कम ही है, लेकिन तब भी इसको कर लो, है ना। अभी पायलोसिस हम लोगों ने किया है टॉपिक, तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, अब ईस्टर का ये भी आपका कौन सा ईआई मैकेनिज्म है आपका, इंटर इंट्रा इंटर मॉलिकुलर मैकेनिज्म आपका, इंटर मॉलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा इसके अंदर भी। तो पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर का देखो, तो सबसे पहले ईस्टर फॉर्म करते हैं, तो ईस्टर क्या है आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। अब आपने इसको किया किया हीट किया, तो हीट करने के बाद ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस ऑफ सी एच टू डबल बॉन्ड ऑफ सी एच टू। सारे पायरोसिस इवन ही हैं क्या, हाँ ये बन गया। अब इसका मेकन समझते हैं किस तरीके से हुआ है, तो देखो इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या है ये इंटरमॉलिक्यूलर, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगी। तो मैंने देखो इसको कैसे लिखा, मैंने इसको लिखा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू, और इसको लिखा मैंने एच लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये एच जो होगा इसके रिस्पेक्ट में ओ के रिस्पेक्ट में निगेटिव है ना, तो इसके हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा पोजीशन हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी बीटा पोजीशन हो जाएगी। और यहाँ पर देखो तो ये बॉन्ड क्या होना चाहेगा, चाहेगा पोलराइज होना चाहेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है तो कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, तो ये बनेगी आर सी सिंगल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड टूट रहा था तो पार्शली बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तो ये जो लोन पेयर होगा ना इसकी इच्छा होगी इलेक्ट्रॉन में दे दूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ये भी पार्शली बॉन्ड आ रहा होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड आपका वीक पड़ रहा होगा, समझाऊंगा क्यों वीक पड़ेगा। और ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी आ रही होगी, और ये बॉन्ड वीक हो रहा है और ये बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो, ये बनेगी इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनने शुरू हो जाएगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 मतलब सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगी आपकी, ये हो गई आपकी सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन आपका हो गया यहां से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये जो कहानी बनी हुई है इस कहानी को यदि आप शॉर्ट में समझोगे तो बहुत इजी पड़ेगी, कैसे देखना मेरी बात, मतलब प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं मैं। ये बॉन्ड गया यहाँ पर, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही ना, तो इसने क्या किया ये बॉन्ड यहां से ले लिया, और जैसे ये बॉन्ड यहां से लेगा तो जो एच यहां चला गया था तो ये बॉन्ड यहां पे आ गया ना। तो अब ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है उसी के हिसाब से आपका जो फाइनल आंसर मैं बना के दूंगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये देखो ये बनेगा आर सी डबल सिंगल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ प्लस सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। अब बताओ बेटा क्या समझ में आई क्या है मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा ध्यान दो, जल्दबाजी में क्या करेंगे हम लोग, देखो जल्दबाजी सुन लो फिर हमें करना क्या है वो भी सुनो। क्या है इस क्वेश्चन को कहना, अभी तो आपको लगा कि सर मैकेनिज्म कर दी तो समझ में आ गया कि ये आंसर आ गया, लेकिन गलती कहाँ करोगे वो समझो ध्यान से। आप लोग मिस्टेक करोगे किस पोजीशन पे, आप मिस्टेक करोगे एल्कोहल एसिड बनाने में मिस्टेक कर दोगे, क्यों कर दोगे आप यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो ईस्टर है यदि मैं इस ऑक्सीजन को स्टार बना देता हूं ईस्टर में, तो ये ऑक्सीजन स्टार रहेगा और तो ये क्या हो जाएगा स्टार हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब ईस्टर में ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड के साथ था वो एसिड में OH बनाएगा, और जो यहाँ पे कार्बन से अटैच था वो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बनाएगा। कोई पूछ ले कि इन दोनों ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन कौन से हैं, तो आप कह दोगे ना ये ऑक्सीजन यदि स्टार है तो इस वाले में ये ऑक्सीजन स्टार होगा। आप पॉइंट समझ में आया ना मेरा, क्योंकि
एग्जाम में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को 18 लिख के दे देते, ऑक्सीजन का आइसोटोप लिख के दे देते और उसके चार ऑप्शन बना के दे देते, पूछते पर्ट क्या बनेगा। तो वहां पे पॉइंट लिखने याद करने लायक है कि जो आपका इस टर्म में डब सी डबल बॉन्ड ओ था वो इस वाले केस में सिंगल बॉन्ड ओ एच बना रहा है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन भी इसका सिलेटेड देता हूं मैं आपको करने के लिए, कि यदि सपोज इसी को लिख देता हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ 18 है आपके पास, और ये ओ सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 था, इसको आपने हीट किया तो आपका जो आंसर आता है वो आता है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये आपका आएगा OH, कौन सा ओ 18 वाला डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, प्लस आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात शायद समझ में बिल्कुल आ गई होगी प्रॉपर तरीके से कि मैं क्या किया। अब तो बेटा सबको समझ में आ गया ना ये पायोस ऑफ ईस्टर किस तरीके से मैंने किया और किस तरीके से इथिन का फॉर्मेशन होगा आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा देता हूँ अभी, और जिसमें क्या ना इसके क्वेश्चन अभी MS चौहान में मिलेंगे नहीं, तो मैं यहीं पे करा देता हूँ जिसमें कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा आपका कि ये आपका ईस्टर लिखा हुआ है, पूछा जाएगा इसको मैंने हीट किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ बेटा सभी लोग। ये बन जाएगा, सबको समझ में आ गया, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगी ना इससे, और CH3 OH डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये सबका आंसर बेटा यही आया क्या, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो वैसे वैसे सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है, किसी को ऐसा तो नहीं समझाना पड़े, सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है इसको हीट किया है, बताओ बेटा इसका पार्ट कैसे बनेगा। हाँ एसिटिक एसिड ही लिखा है प्रथम कपूरे, बन गया बेटा इसका प्रोडक्ट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वीडियो डालूंगा मैं, 1,3 साइक्लोहेक्सीन, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें तो बहुत आसान है, देखो अल्फा बीटा तो समझ गए होगे ना, सिंपल सा, ये अल्फा है इसके रिस्पेक्ट में, ये बीटा है, अल्फा बीटा में बॉन्ड बनना है, अल्फा बीटा में बॉन्ड बनना है, इसको अलग करना है यहाँ से, इसको अलग करना है यहाँ से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, सबका आंसर यही आया ना बेटा, 1,3 वाला, 1,3 साइक्लोहेक्सीडाइन, कौन कौन बना रहा है, उमंग, ये आएगा बेटा आंसर। चलो ठीक, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद थोड़ा दिमाग से करना, ठीक है ना, मतलब इस बार मैं थोड़ा सा, एडमिन प्लीज वेट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो ठीक है, अब इसको हीट किया मैंने, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन,
उमंग, सही बेटा, वेरी गुड। सौरभ का भी सही है। अपोजिट साइड वुड बी रिएक्ट, ठीक है। प्रतीक का भी सही है, सबका सही है, मतलब ऑलमोस्ट सबका सही है। मतलब इसको हिट किया तो ऑब्वियस बात है ये वाला एच बाहर जाएगा, मतलब इसको मैं रेड से कर देता हूँ तो ये वाला एच बाहर जाएगा, ठीक है। और तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो होगा ये बॉन्ड रहेगा इस पोजिशन पे और यहाँ पे आएगा CH3, मतलब आप कह सकते हो ना ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब ये आपका मेजर है। कोई पूछता माइनर क्या होगा तो माइनर में आप ये बीच वाला बना के दिखा देना, ठीक है। वैसे आपको एक ही बताना है इस टाइम पे, एक ही बताना है तो आप कह दोगे ये आपका मेजर फाइनल आंसर होगा। अब मुझे बताओ यहां तक तो किसी को कोई डाउट है नहीं, हाँ नमन सही बोल रहे हो, सब्जेक्ट इज द माइनर, ठीक है। यहां बेटा इस पॉइंट तक आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कंप्लीट हो गई। अच्छा एक चीज बताओ, HEME जो मैंने आपको सभी लोगों को पढ़ाया क्या, HEME मैंने क्या सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है HEME मुझसे, क्योंकि वीडियो देखा हुआ है। नहीं, कुछ लोगों ने लाइव पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने वीडियो से देखा है। चलो अब देखो वीडियो देखा हुआ है बोलो दोबारा बेटा, दोनों ही है। हाँ, चलो बेटा अब मैं काम करता हूँ, मैं दो आप सब लोगों को दोबारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। उसमें क्या है ना कुछ है, जैसे और भी चीजें आ गई तो वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो उसको भी पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट का टाइम और लगेगा। सेम साइड से क्यों है बेटा, सेम साइड से ही होगा, अपोजिट साइड से तो वैसे ही साइक्लिक रिंग बननी है सुजल। सेम साइड से इलिमिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, वो एक प्लेन में ही बनेगी, कभी दूसरे प्लेन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं हो सकती है, वहां से तो अनस्टेबल हो जाएगा ना वो। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब आपका जो है एक बार मैं दोबारा HEME को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। सभी लोग तो HEME को देख लेंगे तो थोड़ा सा और जो जिसको भी ना आया हो वो भी समझ जाएगा। नहीं आज बेटा मैं ग्रुप में MS चौहान से होमवर्क डालूंगा, जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो मैं सब आपको भेज दूंगा। बेटा मैं पहले बताया था ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, मतलब आप सोचो ना आज 5/6वां लेक्चर है और अल्किन की प्रिपरेशन चल रही है अभी, एटलीस्ट अभी उसका मतलब अभी तक एल्कीन में स्टार्ट ही नहीं हुआ एल्कीन चैप्टर अभी तो, देखा जाए नमन है ना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलो क्योंकि देखो सिंपल सा है, देखो मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ जिसमें कि सबको एट ए स्टेप समझ में आता चला जाए, इसलिए बस आप लोग कॉपी करते रहो अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखो HEME वाला क्या समझा देता हूँ मैं, और होमवर्क के लिए मत भागो कोई भी के सर, होमवर्क 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 जब मिलेगा बहुत अच्छा तगड़ा मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा बस पेशेंस रखते चले जाएं केवल। चलो अब देखो ध्यान से, आपका जो रिएक्शन है वो है आपका हॉफमैन इलिमिनेशन होता है, HEME रिएक्शन, HEME मतलब आपका आएगा हॉफमैन सॉरी एग्जॉस्ट ऑक्सीडेटिव मिथाइलेशन, मिथाइलेशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन, फॉलोड बाय इलिमिनेशन। देखो वैसे मैक्सिमम लोगों को समझ में भी आता है किस तरीके से होता है, तो केवल स्टार्टिंग में मैं हिंट देता हूँ फिर उसका मैकेन तो सभी को आता है। देखो सबको कितना आता है पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। सबको इतना आता है कि जैसे मैं कोई रिएक्टेंट लिख दूंगा तो आप लोग इसका प्रोडक्ट बता दो, कि मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को ये आपका इस तरीके से था और मैंने बेस अटैक कराया था, तो आपने यहाँ से अल्फा और बीटा हाइड्रोजन निकाला था और आपने ये बना दी थी अल्किन बना दी थी और आपने टर्शरी अमाइन बना दिया था,
ये इतना मैंने समझा चुका था। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो किस तरीके से, या टर्शरी अमाइन, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिख के देते हैं हम लोग। तो आपके पास क्वेश्चन ये है बेटा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड ऑफ एन एच टू, ये है आपके पास अमाइंस है, ठीक है। यदि मैं इसकी रिएक्शन फर्स्ट पॉइंट सी एच थ्री आई एक्सिस के साथ लिख के देता हूँ, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में लिख के देता हूँ मैं मॉइस्ट ए जी टू। आप बेटा थोड़ा ध्यान से समझना देखो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी देख के नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप एच ई एम ई लगाने वाले हो, तो आप एच ई एम ई लगाने क्या, जो प्रॉपर क्वेश्चन जो आता है, देखो सिंपल क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा जो लिख दिया मैंने ऊपर। अब यदि डायरेक्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसा आएगा, जो मैं लिखने वाला हूँ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मतलब आपका सी एस थ्री सी एस टू प्राइमरी अमाइन है, रिएक्शन कराएगी सी एस थ्री आई एक्सेस के साथ और मॉइस्ट ए जी टू ओ एंड हीट। बेटा मॉइस्ट ए जी टू ओ हमेशा बेस की तरह काम करता है, ये याद रखना। मॉइस्ट ए जी टू ओ ऑलवेज एक्ट एज अ बेस, बेस की तरह काम करेगा। तो देखो ये बेस दिख रहा है ना, ओ एच माइनस लेते थे, देखो ये इनडायरेक्ट लिखा ना उन्होंने मॉइस्ट ए जी टू ओ, तो ये यहाँ पे हो गया साथ में हीट हो गया। पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। आप लिखोगे इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा कि ये सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस टू एन एच टू था आपके पास, ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा किससे, सी एस थ्री आई से रिएक्ट करने को आएगा क्योंकि ये एक्सिस में है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे जुड़ेगा, जाके लोन पेयर पे जाके जुड़ेगा एन के, मतलब यहाँ पे बनेगा आपका सी एस थ्री सी एच टू एन सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री एच और एच, यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो अब एन क्या करेगा, यहाँ पे डी प्रोटोनेशन कर लेगा, तो एन इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापिस, तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा आपका सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस टू एन सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री ए, लोन पेयर फिर से वापिस आ गया इसके पास और एच है इसके पास, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये फिर से अटैक करने को कौन आएगा आपके पास, सी एस थ्री आई फिर अटैक करने को आएगा, तो ये यहाँ पे निगेटिव ये आपका पॉजिटिव, तो फिर अटैक कहाँ पे होगा, एन पे अटैक होगा, तो ये बना देगा क्या सी एस थ्री सी एस टू एन सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री एच सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एस थ्री, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, फिर क्या होगा डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस एच प्लस निकल जाएगा आपका, यहाँ से माइनस एच प्लस निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, सी एस थ्री ऑफ सी एस टू ऑफ एन सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, ये यहाँ पे बन गया टर्शरी अमाइन बन गया। ये फिर रिएक्शन करेगा किससे, सी एस थ्री आई से, तो ये आपका निगेटिव ये आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा यहाँ लोन पे के पास जुड़ने, और यहाँ से बनाएगा वो क्वार्टनरी अमाइंस का फॉर्मेशन कर देगा, और क्वार्टनरी अमाइंस का फॉर्मेशन हो गया बेटा एक्सिस में है ना का पूरे, मतलब आपका सी एस थ्री आई तो रिकार ये करता रहेगा जब तक उसको लोन पे मिलता रहेगा। ये रिएक्शन अनकंट्रोल होती है आपको अमाइंस और अल्किल हैलाइड की रिएक्शन तब तक चल, मतलब क्वार्टनरी अमाइन जब तक नहीं बन जाता जब तक चलती रहती है यदि वो अल्किल हैलाइड आपका एक्सेस में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आपका मॉइस्ट ए जी टू वो जो अटैक करता है तो आपका क्या बनता है, आपका यहाँ से बनता है अल्किन, अब तो बन जाएगा ना ये बेस हो गया, तो ये अल्किन बन गया, साथ में आपका क्या हो जाएगा और हीट भी कर दिया साथ में, तो ये आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। बताओ बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये इस तरीके से फुल क्वेश्चन होगा आपका ये। अब इसके दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसके, ठीक है। हाँ शांतनु आज पक्का डाल दूंगा, क्यों परेशान हो रहा बालक, अरे शांतनु क्या कह रहे हो, क्यों बेटा जल्दी जल्दी पढ़ाया क्या मैंने, शांतनु को लग रहा है कि बहुत स्लो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया सर आपने, कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ यार शांतनु, इतने जल्दी इतनी यदि इतनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो सोचो मैं क्लास से भी स्लो स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे पूछ सकता हूँ। अच्छा क्लास में इससे तेज पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ मैं, और क्लास में से कम भी समझाता हूँ, क्यों सही बात है क्या उमंग,
हाँ देखो सब लोग बोल रहे हैं क्लास में ज्यादा तेज पढ़ाते हो। अब थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ता हूँ सर लेक्चर। अच्छा जल्द क्यों नींद आने लगती है शांत तुमको क्या अभी? अच्छा देखो वेदांत क्या है ना, सेकंड स्टेप में जो मॉइस्ट एजी टू है ना वो बेस की तरह काम कर रहा है, मतलब यहाँ से। चलो शांतु तुमसे 2 मिनट बाद में बात करता हूँ। देखो क्या है, मॉइस्ट एजी टू ओ में बेस निकलता है ओ एच माइनस, जो कि एसिडिक एच को लेके जाता है। जब एसिडिक एच को लेके जाएगा तो यहाँ पे ए जी ओ एच बन जाएगा, और हीट के साथ करने पर वहां पे लिमिट हो जाएगा। एक काम करो ना, सुबह का लेक्चर चाहिए हो तो आप लोग क्या है ना, सर से पंकज सर को बोलो सब लोग, ठीक है ना? तो मैं अपना टाइम मॉर्निंग का कर लूंगा, एक बार उनको बोलो तो टाइम मेरा मॉर्निंग का हो जाएगा, ठीक है ना? इवनिंग का हट जाएगा। एक बार आप पंकज सर को बोलो सर सुबह 9 या 9:30 से टाइम रख दो हमारा। ठीक है, तो मॉर्निंग में अच्छा समझ में भी आएगा, तुम भी फ्री हम भी फ्री, है ना? चलो ठीक है, जिसको सुटेबल हो वो कह दे, जिसको ना हो वो ना कहे, ठीक। चलो देखो, अच्छा यहाँ तक बेटा सबको समझ में आया ना? ये अल्कीन फॉर्म हो गया अपना, ये चलो जो भी है अपना देख लो, सब लोग अपना अपना देखो। सर सर आप भी एक बार बोलो क्या प्रणाम, क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है देखता हूँ। चलो अब देखो इसके मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, AG2 और हीट का लिख दो। अच्छा अरे मॉइस्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट डाल के, समझो मॉइस्ट AG2O, मॉइस्ट AG2O एक्ट एज अ बेस, एक्ट एज अ बेस रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है? और हीट क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। हीट का काम क्या है, बॉन्ड ब्रेक। अब वेदांत समझ में आ गया ना, दोनों पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे। आप क्वेश्चन लिख लो दो, है ना, इसी से रिलेटेड, HEME से रिलेटेड। तो आपका ये होमवर्क ये भी हो जाएगा। देखो हाँ इतना ही रखने वाला हूँ, थोड़ा क्वेश्चन तो लिख लो यार शांतनु। शांतनु कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना? और अभी कर लेना। बेटा मैं तनेश 2 मिनट रुक जाओ बताता हूँ मैं, क्वेश्चन लिख लूँ एक बार। इसको अच्छा मैं हीट का क्या बताने वाला था, सुन लो मेरी बात। अच्छा मैं यहाँ देखो कहाँ समझाऊँ तो मैं हीट का कंसेप्ट। अच्छा सुनो तनेश, जो तुम हीट का कंसेप्ट कह रहे थे ना, तो देखो पेज नंबर 1 पर, सुनो मेरी बात, पेज नंबर 1 पर मैंने जो सिखाया था, सुनो यहाँ पे सब लोग अब देखो, जिसको हीट का कंसेप्ट समझना हो ये समझ ले। हीट के देखो यहाँ तक बेस का काम था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मॉइस्ट AG2 अटैक कर रहा था आपका, ठीक है ना? तो यहाँ से बीटा एच निकला था। अब इस पोजिशन पे हीट होता है, मतलब इस पोजिशन पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, इसलिए हीट यूज कर रहा हूं मैं। तनेश समझ में आया ना? अब सबको समझ में आ गया और हीट का कंसेप्ट क्या है? ठीक है आतिश, क्या डाउट है बेटा पूछो, यहीं पूछो, क्या दिक्कत होता आतिश?
हाँ सर वो वाली स्लाइड दिखाओ सर, 2 मिनट 2 मिनट सर प्लीज बोल। अच्छा एक चीज सुनो मेरी बात, एक स्टूडेंट का कहना है, अब पता ही नाम, एडमिन तुम्हारा नाम क्या है भाई, नाम भेजो पहले थोड़ा सा, ठीक है आते पूछ लेना मुझसे। एडमिन नाम बताओ यार, क्या नाम है तुम्हारा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एम एस चौहान तो लगा रहे हो, क्या हिमांशु पांडे भी सब लोग लगाना चाहते हो क्या। तन्मय, तन्मय का एक, तन्मय चाहता है एक पोल हो जाए कि सर दो नहीं होती हैं कि हिमा, देखो मैं सुनो मेरी बात सुन लो, मेरा जो कंसर्न है इस चीज के रिलेटेड वो समझो सब लोग। देखो मैं दोनों चीज समझा देता हूँ सब लोगों को। देखो एम एस चौहान तो लगाना ही है, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2, मेरा ओपिनियन सुन लो ध्यान, मैं अपना ओपिनियन ही बता रहा हूँ। देखो मैं हिमांशु पांडे को प्रेफर क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका रीजन सुनो ध्यान से। आपके जो हिमांशु पांडे की बुक है और आपका जो मॉड्यूल है ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है, मतलब हिमांशु पांडे के जो क्वेश्चंस है वो मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे आपको, इसलिए हिमांशु पांडे को, और हिमांशु पांडे में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको भी लगा लो, क्योंकि उसको लगाने बैठोगे तो आप फिर फिजिक्स और मैथ पर ध्यान कम दे पाओगे, ठीक है। रिवीजन के टाइम बेटा आपको डीपी, अभी आपको डीपीपी भी मिलेंगी, ठीक है ना, एडमिन जो है। अच्छा एक चीज और है, जिसको लगाना चाहे ना हिमांशु पांडे वो हिमांशु पांडे लगाए और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, वो आराम से फ्री होके क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको डाउट बताता रहूंगा। एडमिन तन्मय मतलब, समझ में आया ना, तुम डाउट तुम क्वेश्चन तुम्हें यदि लगानी तुम लगाओ, मुझसे क्वेश्चन पूछो मैं आपको बताऊंगा, या जिसको जो बुक लगानी हो वो लगाए और क्वेश्चन पूछे। तन्मय बेटा मेरी बात समझ में आई ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। नहीं, लेवल 2 तो बेटा लगाओ, थोड़ा सा क्या है ना कंसेप्ट भी और अच्छा क्लियर होता है लेवल 2 लगाने पे, इसलिए मैं बेटा कह रहा था। सर एक बार होम, बेटा होमवर्क क्या करना है, एक तो ये क्वेश्चन लिखा है ये करना है, और दूसरी चीज एक और है, नहीं बेटा एक ही क्वेश्चन है बेटा बस, है ना, एक ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा सुनो अभी क्या है, लेवल 2 लगा लेना सब लोग, नेक्स्ट लेक्चर में लेवल 2 सॉल्व करेंगे, और ये जो होमवर्क, अच्छा सर एम एस चौहान में ले चैप्टर सेकेंड चैप्टर से, मतलब सेकेंड में 2 चैप्टर से लेवल 2 लेवल 1 से ज्यादा सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, एम एस चौहान लगा लो, सॉरी वो हिमांशु पांडे लगा लो, क्या दिक्कत है यार। अभी क्या है ना सुनो मेरी, हिमांशु पांडे जो भी लगाने का सोच रहा है ना हाइड्रोकार्बन में, अभी ना लगाए क्योंकि उसमें क्वेश्चन मिक्सअप करके दिए हुए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी थोड़ा देखो जिसको हिमांशु पांडे लगानी है वो थोड़ा वेट करे, जब मैं बोलूं तब वो स्टार्ट करे। वैसे आज मैं ग्रुप में एम एस चौहान के जो क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो भी होमवर्क में डाल दूंगा, और आपके हिमांशु पांडे के जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो भी डाल दूंगा, साथ में मॉड्यूल के जो भी पॉसिबल होंगे वो भी डाल दूंगा, ये आपको नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर तक सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और आज के लेक्चर में अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन स्टार्ट करेंगे, यहां तक प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फिनिश हो गया है टोटल। हाँ नहीं नेक्स्ट लेक्चर में तो लेवल 2 ही सॉल्व होगा, और जो इतना टाइम बचेगा उसमें हम लोग फिर क्या सॉल्व करेंगे, हम लोग फिर अपना वो एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, सब समझा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ बिल्कुल भैया, बारात जाओ तो अब, ठीक है चलो बेटा बाय बेटा। नहीं होमवर्क में डाल दूंगा पीडीएफ, चलो सर बाय बाय। लेवल 2 के अलग क्लास लगाओ, बताता हूँ बेटा, ठीक है, परेशान अब कोई ना हो, मैं अपने हिसाब से मैनेज करता हूँ मैं, चलो।
उमंग को पुनः एक बार बीटा शॉट में एस्थेटिक। उमंग तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूं मैं, ठीक है ना?